हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवीर सैनी। न्यू उड़ान क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, राजवंशों से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है, और अब तक जो हमने अध्ययन किया है और जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है गुहिल राजवंश, जो मेवाड़ के अंदर हुआ। और गुहिल राजवंश में अब तक हमने जो पढ़ा वो तेज सिंह के पहले कुमार सिंह तक को हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब जो एंट्री हो रही है वो तेज सिंह की हो रही है, यानी अब जो राजा जो हम पढ़ेंगे वो तेज सिंह होगा। तो मित्रों देखो, ये तेज सिंह का आपको मैंने पहले ही उल्लेख करवा दिया है, और तेज सिंह के बारे में थोड़ा बेसिक हमने पहले ही पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है वो चीज़ मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ। तो देखिए अच्छे से हमने कहाँ पर पढ़ा है। अच्छे से देखना, तेज सिंह याद करो मित्रों, जेत्र सिंह, जेत्र सिंह। और मैंने तुम्हें बताया था कि जेत्र सिंह ने अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए आक्रमण किया था जालौर के सोनगरा चौहानों पर। किस पर? जालौर के सोनगरा चौहानों पर, सोनगरा चौहान। अब ये जालौर के सोनगरा चौहानों के जो इस समय जो राजा थे वो उदय सिंह थे। उदय सिंह सोनगरा चौहान। तो जब जेत्र सिंह ने उदय सिंह चौहान पर आक्रमण किया, तो मित्रों इस उदय सिंह ने कहा कि भाई बिल्कुल जो मेवाड़ के गुहिल है और हम जो जैसलमेर के सोनगरा चौहान है, ये दुश्मन है एक दूसरे के, और ये जो दुश्मन है ये आज के नहीं है, ये काफी प्राचीन समय के है, कीर्तिपाल के समय से है। तो अब इस उदय सिंह ने कहा क्यों नहीं हम जेत्र सिंह के साथ समझौता समझाइश कर इस दुश्मनी को समाप्त करें। तो मित्रों अब जेत्र सिंह ने अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए जालौर के उदय सिंह पर अटैक किया, तो उदय सिंह ने इसके साथ समझौता किया। क्या किया? समझौता किया। और समझौते के तहत उदय सिंह ने अपनी पोती पोती रूपा देवी का विवाह, अच्छे से देखना, ये पोती जो है रूपा देवी, ये उदय सिंह की पोती है। उदय सिंह ने समझौते के तहत अपनी पोती का विवाह जेत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ किया। किसके साथ? तेज सिंह के साथ किया। तो अच्छे से देखिए मित्रों, जो अब अगला वाला जो राजा आ रहा है वो मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया, पर एक बार मैंने वापस रिपीट कर दिया ताकि आपको अच्छे से पता रहे। तो अब जो राजा आ रहा है मित्रों वो आ रहा है तेज सिंह। कौन आ रहा है? तेज सिंह। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे तो अब हमारी जो क्लास चलने वाली है वो चलेगी तेज सिंह के बारे में। तो देखिए अच्छे से और पहले समझिए कि तेज सिंह ने क्या किया था। तेज सिंह, अब मित्रों तेज सिंह से रिलेटेड कुछ उपाधियां है, पहली चीज तो यही, तेज सिंह ने कुछ उपाधियां ग्रहण की, और उन्हीं उपाधियों में से एक उपाधि जो है वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे एग्जामों में हजारों बार पूछी हुई है, वो उपाधि कौन सी है पहले सुनो। तो पहली चीज तो हम यही लिख दें कि भाई नंबर वन चीज हो गई कि तेज सिंह का विवाह जो हुआ, तेज सिंह का विवाह जो हुआ तेज सिंह का विवाह हुआ वो किससे हुआ, अच्छे से देखना, रूपा देवी से। किससे हुआ? रूपा देवी से, कंप्लीट। और उसके बाद दूसरा पॉइंट देखना, दूसरे पॉइंट में तेज सिंह की उपाधियां परम भट्टारक महाराजाधिराज
महाराजा धीराज, महाराज की उपाधि, ये उपाधियां ग्रहण की किसने? आपके तेज सिंह ने। और इसके अलावा तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है उपाधियों में, वही बता रहा हूं, इन्होंने वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप की उपाधि ग्रहण की। वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप, अब यह जो पूरा शब्द है वो पूरा एक ही शब्द है, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे, वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप, कंप्लीट। तो ये तो हो गया तेज सिंह का उपाधियों से रिलेटेड। अब तेज सिंह का जो एग्जामों में जो सवाल पूछा जाता है मित्रों, वो सवाल पूछा जाता है, जो अब जो पॉइंट आ रहा है वो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो देखिए क्या पॉइंट है, अच्छे से देखना। तेज सिंह, और तेज सिंह का जो सवाल पूछा गया है वो सवाल आपका कला एवं संस्कृति से रिलेटेड पूछा हुआ है। कला एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर यानी कला संस्कृति से रिलेटेड वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। अब ये क्या सवाल बनता है वो अच्छे से देखिए मित्रों। तेज सिंह के शासनकाल में मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ मिला जो चित्रकला शैलिया जब हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में, तो उस समय वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट बन जाएगा कि मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा था। तो अच्छे से स्टूडेंट्स कान खोल के सुन लेना ये चीज, मैं अभी हिस्ट्री के अंदर तेज सिंह के समय बता रहा हूँ, और जब हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर चित्र शैलियाँ पढ़ेंगे तब मैं वापस सवाल रिपीट करूँगा और तुम्हें पूछूंगा कि भाई ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी और पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा था, किसके शासनकाल में प्राप्त हुआ, चित्रित किया गया, और प्लस इसके रचयिता कौन थे। तो ये तीनों चीजें आपको एकदम याद होनी चाहिए, इसमें तुम परफेक्ट होने चाहिए। तो देखिए अच्छे से, मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ की मैं बात करूं मित्रों, तो पहला जो चित्रित ग्रंथ था उसका नाम था श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी। अब देखो, अब ये नाम थोड़ा बड़ा है, आपको थोड़ा मुश्किल से याद होगा, पर टेंशन मत लो, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। नाम क्या है? श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी। ये ग्रंथ था जो पहला चित्रित ग्रंथ था सिर्फ मेवाड़ का, और राजस्थान का पूछ ले तो मैंने कल ही तुम्हें बताया था, ओद निर्युक्त वर्ती और दस वैकालिका सूत्र चूर्णी, ये दोनों ग्रंथ जो थे ये राजस्थान के पहले चित्रित ग्रंथ थे, और मेवाड़ का जो पहला चित्रित ग्रंथ था वो था श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी। सुनना अच्छे से, तो अब देखो मित्रों अच्छे से, अब ये तो श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है ये हो गया, ये 1261 ईस्वी के अंदर चित्रित किया गया। किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो इसके जो रचयिता थे वो थे कमल चंद्र। और इसकी विशेषता क्या है? तो आप कहोगे ये ताड़ के पत्तों पर और सोने की सिहाई से चित्रित किया हुआ, ये विशेषता हो गई किसकी? श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी की। अब ये श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी जो चित्रित ग्रंथ है ये किसके शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो आपको उत्तर देना है तेज सिंह के शासनकाल में,
तो ये पॉइंट यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और आपके एग्जामों में हजारों बार पूछा हुआ है, तो इसको तो अभी घिण कर गांठ दे दो। अब आप कहोगे सर जी ये नाम थोड़ा याद नहीं होता, ये नाम जो थोड़ा है बहुत बड़ा है। और राजस्थानियों की, हम मारवाड़ियों की एक दिक्कत ही रही है मित्रों, ये आडे टेढ़े जो नाम होते हैं इनका उच्चारण हमसे सही नहीं होता है। हमने अब इनके मैं उदाहरण भी दूंगा, जैसे चित्तौड़ है, इसका प्राचीन नाम चित्तौड़ नहीं था, इसका प्राचीन नाम चित्रकूट दुर्ग था। अब चित्रकूट हमारे से उच्चारण होता नहीं था तो हमने इसको बोल बोल के चित्रकूट चित्रकूट सही नाम का उच्चारण नहीं करके हमने इसका नाम, मतलब बाद में अपभ्रंश होकर इसका नाम चित्तौड़ पड़ गया। वैसे ही एक उदाहरण दूं कि नागदा के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि एक सहस्त्र बाहु का मंदिर था, कौन सा? सहस्त्र बाहु का। तो अब हमारे मारवाड़ी औरतों को कहे कि इस मंदिर का नाम लो, बोलो कि भाई सहस्त्र बाहु, तो अब उनसे इसका उच्चारण सही होगा नहीं। तो धीरे धीरे सहस्त्र बाहु शब्द जो है वो टूटा और इसको हिंदी भाषा में बोलते हैं इसका अपभ्रंश हुआ और सहस्त्र बाहु से जो सहस्त्र यानी अस्त्र जो था वो हट गया और इसी सहस्त्र बाहु मंदिर को वर्तमान में सास बहु का मंदिर कहा जाता है। तो देख लो, तो ये चीजें हैं, ये कुछ फैक्ट है। तो अब रही बात, आप कहोगे सर जी ये नाम याद नहीं हो रहा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो आपको सूत्र चूर्णी से पकड़ना है। आप याद रख लो, हम मारवाड़ी है, भोजन तगड़ा खाते हैं, भोजन को अच्छे से ग्रहण करते हैं। भोजन खाने का मजा कब आता है? जब हम रोटी चूर कर खाते हैं। तो आप याद कर लो रोटी चूर्णी, कौन सी चूर्णी? रोटी चूर्णी। और रोटी चूर्णी की जगह आपको तो सिर्फ ग्रंथ के पीछे पकड़ना है सूत्र चूर्णी, कंप्लीट। तो मस्त रहो, आप तो बने रहो, मैं याद करवा दूंगा आपको काफी चीजें। तो देखो, अब तेज सिंह की मैंने 3 से 4 बातें बताई है, प्लस तेज सिंह की माता जो थी उसने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनाया, श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया, ये भी ध्यान रखोगे। आप सीधा याद रख लोगे कि भाई तेज सिंह के शासन काल में चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर बना जिसका नाम था श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, कंप्लीट। इस बात का भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। तो ये चीजें हो गई, ये फैक्ट हो गए तेज सिंह के बारे में। तो ये तेज सिंह जी थे। तेज सिंह की अब हम ओरली सीधी बात करें तो पहले ये हो गया आपका तेज सिंह, और तेज सिंह के कुछ जो पॉइंट है वो देख लीजिए। नंबर 1, उपाधिया, कंप्लीट उपाधिया। दूसरा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट उपाधि, उपाधिया तो है पर एग्जाम की दृष्टि से कौन सी महत्वपूर्ण उपाधि है। तीसरा, चित्रित ग्रंथ, पूरा चित्रित ग्रंथ का पूरा, कंप्लीट। नंबर 4, मंदिर का निर्माण, कौन से मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये जो चीजें है, ये जो फैक्ट है, ये काम करेंगे आपके। तो देखिए अच्छे से, उपाधियों में मैंने बताया ही था परम भट्टारक महाराजा अधिराज, कंप्लीट, ये बातें हो जाएगी। इसके बाद एक ये उपाधि हो गई, देखिए परम भट्टारक, दूसरी महाराजा अधिराज, महाराजा अधिराज, और अगली जो हो गई महाराज, कंप्लीट। ये उपाधियां ग्रहण की थी और एग्जाम की दृष्टि से जो जो इंपॉर्टेंट उपाधि है वो आप याद रखोगे कि वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप, वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप की उपाधि किसने ग्रहण की। ये पूरा का पूरी, ये जो पूरी उपाधि है ये एक ही उपाधि है, कंप्लीट। इसके बाद चित्रित ग्रंथ, तो आप कहोगे इसका जो चित्रित ग्रंथ है वो है श्रावक प्रतिकर्मण
सूत्र चूर्णी, और मैंने तुम्हें यहाँ पर अच्छे से बताया है कि भाई हमें इतना बड़ा नाम याद होता नहीं, क्योंकि हम तो मारवाड़ी लोग हैं, हर एक का छोटा नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नाम भूल जाओ तो आप याद रखो रोटी चूर्णी। क्या चूर्णी? रोटी चूर्णी। देसी आदमी है, मारवाड़ी आदमी है, जब तक रोटी चूर कर नहीं खाते मजा ही नहीं आता। हम कोई फॉरेनर थोड़ी है जो वो चमचे से रोटी तोड़कर खाएंगे, हम देसी आदमी है। जब हाथ का स्वाद और रोटी का स्वाद दोनों नहीं मिलते तब तक खाने का मजा ही नहीं आता है। कंप्लीट। तो ये बात हो गई, और इंग्लिश में एक गाना भी है, मेक सम नॉइज फॉर देसी बॉयज। कंप्लीट। तो हम देसी है, हम देसी तरीके से ही जिएंगे। तो देखो अच्छे से, तो ये हो गया चित्रित ग्रंथ। अब एक बात ध्यान रखना बच्चा लोग, ये जो श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ जो वर्तमान में जो है ये पाटन संग्रहालय में पड़ा है। कौन से संग्रहालय में? पाटन संग्रहालय में। और ये जो पाटन नामक संग्रहालय जो है ये जीजे, जीजे का मतलब गुजरात के अंदर पड़ा हुआ है। कंप्लीट। अब देखो अच्छे से मंदिर का निर्माण, तो याद रखोगे तेज सिंह के शासनकाल में चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बना, श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बना। तो ये फैक्ट हो गए, ये चीजें हो गई, लगभग 80% तो मैंने आपको यही पर याद करवा दिया, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। कंप्लीट। अब ये तेज सिंह के बाद जो अगले राजा आ रहे हैं वो अच्छे से देखिए, अगले जो राजा आ रहे हैं वो आ रहे हैं समर सिंह। कौन से सिंह? समर सिंह। कंप्लीट। अब देखना मित्रों, इन समर सिंह को भी कुछ उपाधियां दी गई, एक उपाधि दी गई शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता, शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता, यानी जो दुश्मनों की जो शक्ति है उसका हरण करने वाला, उनकी शक्तियों को विच्छिन्न करने वाला किसको कहा गया? समर सिंह को। कंप्लीट। अब अगला देखना, मेवाड़ का गुजरात के चालुक्यों से उद्धारक, यानी गुजरात के जो चालुक्य थे उनसे हमारे मेवाड़ का उद्धार किया था। कंप्लीट। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। इसके अलावा लड़ने में ये बंदा सिंह के सदर्श दिखता था, शेर के सम्मान दिखता था। कंप्लीट। ये चीजें हो गई समर सिंह से रिलेटेड। अब देखो, समर सिंह के मित्रों दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो पुत्र। अच्छे से देखना, नंबर वन पुत्र, हालांकि पुत्र देखो मैं अभी भी बता रहा हूं, एक राजा से रिलेटेड खूब सारे पुत्र होंगे, पर हम उन्हीं पुत्रों को जो पढ़ेंगे जो हमारे आगे काम आएंगे। कंप्लीट। तो दो पुत्र, एक पुत्र जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था रावल रतन सिंह, और दूसरा पुत्र जो था वो था रावल कुंभकर्ण। कंप्लीट। इन बातों को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। अब देखो मित्रों, अच्छे से आप देखना कि ये रावल रतन सिंह जो है ये तो बनेगा अगला मेवाड़ का राजा बनेगा, और ये जो कुंभकर्ण है ये कहेगा अपने पिताजी को के पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या दीजिए? मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं यहां पर नहीं रहूंगा, मैं अपनी नई स्वतंत्र शाखा स्थापित करूंगा।
और मैं कहीं दूर जाकर हमारे गुहिल वंशियों का जो राजवंश है इसका नाम रोशन करूंगा, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं कहीं और जाकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करूंगा। तो समर सिंह जी खुश हुए कि बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा बेटा जी, आप जाइए और अपनी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और हमारे गुहिल राजवंश का जो है वो नाम रोशन कीजिए। तो ये कुंभकर्ण अपने पिता का आशीर्वाद लेता है और मेवाड़ छोड़कर मित्रों चला जाता है नेपाल। कहाँ चला जाता है? नेपाल। और नेपाल के अंदर गुहिल राजवंश की शाखा चलाता है। तो एग्जाम में अगर पूछ भी ले कि नेपाल में गुहिल राजवंश की शाखा चलाने वाला राजा कौन था, तो आप याद रखोगे समर सिंह का पुत्र जो था रावल कुंभकर्ण, इसने हमारे नेपाल के अंदर गुहिल राजवंश की एक सत्ता और शाखा स्थापित की। कंप्लीट। अब देखो दूसरा बेटा हुआ जो बड़ा पुत्र था वो था रतन सिंह, और रतन सिंह मित्रों रावल शाखा का अंतिम शासक होगा। कंप्लीट। तो ये समर सिंह की बातें हो गई। समर सिंह की एक दो उपाधियां आपको अच्छे से याद रखनी है, फिर अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि भाई इसके दो पुत्र थे, एक रतन सिंह एक कुंभकर्ण। कुंभकर्ण मेवाड़ छोड़कर नेपाल चला गया और नेपाल के अंदर गुहिल राजवंश की शाखा स्थापित की, और राजा जो बना वो रावल रतन सिंह बना। और यहीं पर बात याद कर लो कि रावल रतन सिंह जो राजा बना ये गुहिल राजवंश का, और सॉरी रावल गुहिल राजवंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था, अंतिम राजा था। इसके बाद चित्तौड़ में जो शाखा चलेगी वो राणा शाखा चलेगी। कंप्लीट। तो इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। और अब जो हम अगला राजा जो समझेंगे मित्रों वो अच्छे से देखना। देखो मित्रों लाइटें सभी कट गई है, इन्वर्टर से आपका बूट और लाइटिंग वगैरह चल रही है, पसीने के रेले उतर रहा है तो भी आपकी क्लासें चल रही है, तो एक बात ध्यान रखना मित्रों, आप जो एग्जाम फाइट कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से, उसकी अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए और अपनी सीट के प्रबल दावेदार बनिए और सीट लीजिए। पढ़ाना भी बहुत मुश्किल है, आप अच्छे से पढ़िए, अपनी लाइफ को सिक्योर मोड में लेके जाइए और फिर अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो अच्छे से अभी पढ़ाई करते रहिए। कंप्लीट। तो अब मित्रों आपको एक अच्छी सी धुआंधार और खतरनाक, जिसमें रोमांस भी होगा, जिसमें कहानी में ट्विस्ट भी होगा, जिसमें प्यार भी होगा, इजहार भी होगा और लड़ाइयाँ भी होगी, एक अच्छी कहानी आपको देखने को मिलेगी रावल रतन सिंह के शासनकाल में। और आपने टीवी के अंदर मूवीज भी देखी होगी, पद्मावत मूवी। कंप्लीट। तो ये पद्मावती जो मूवी आई थी जो संजय लीला भंसाली की थी और संजय लीला भंसाली की फुड़ंती भी निकली थी, वही राजा है रावल रतन सिंह। और मूवी के अंदर आपका शाहिद कपूर रतन सिंह बना था और अलाउद्दीन खिलजी जो बना था वो था रणवीर सिंह, और पद्मनी जो बनी थी वो थी दीपिका पादुकोण। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखोगे तो अब हम पढ़ते हैं रावल रतन सिंह और आपके कहानी की शुरुआत करता है। कंप्लीट। चलो पसीना तो ऐसा ही होता रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। अब मित्रों रावल रतन सिंह से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखना, रावल रतन सिंह के साम्राज्य काल में क्या हुआ, रावल रतन सिंह की जो रानी थी वो कौन थी, उससे रिलेटेड एक ग्रंथ लिखा गया। तो पहली चीज हम बेसिक बात पढ़ते हैं कि इस रावल रतन सिंह की जो रानी थी, तो पहले तो एक प्रश्न ही पूछ लेता हूं क्योंकि एग्जाम में, एक एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा है, देखो रावल
रतन सिंह की रानी का नाम क्या था? रानी का नाम अच्छे से देखना, ए ऑप्शंस पद्मावती, पद्मावत, पद्मिनी और डी ऑप्शंस कर्मवती। या यहां पर आप लिख दो पद्मावती। ये तुम्हारे एक एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, कंप्लीट एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है। तो अब जल्दी से आप खुद मन में सोच लीजिए कि इसका रियल उत्तर क्या होगा, जो रावल रतन सिंह की रानी थी। अब नाम तुम्हें एग्जाम के अंदर चारों सेम लगेंगे मित्रों, पर इसके उत्तर जो होंगे वो अलग अलग होंगे, ये बात ध्यान रखना। तो अब देखो अच्छे से, ए ऑप्शंस कह रहा है पद्मावती, बी ऑप्शंस कह रहा है पद्मावत, सी ऑप्शंस कह रहा है पद्मिनी और डी ऑप्शंस कह रहा है पद्मवती। तो इसमें जो रियल नाम था, जो सही नाम था, वो था सी ऑप्शंस पद्मिनी, कंप्लीट। ये पिछले वाले नाम, ये पद्मावत नाम का जो है वो ग्रंथ है जो पद्मिनी के जीवन पर लिखा हुआ है, और ये पद्मावती जो नाम है ये आपके संजय लीला बंसाली ने दिया, संजय लीला बंसाली ने, जिसने मूवी बनाई थी पद्मावती या पद्मावत, कंप्लीट। तो इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। ये बेसिक चीजें होती हैं मित्रों, जो हमें एग्जाम की दृष्टि से एकदम अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो अब रानी का नाम आप अच्छे से याद रखोगे, रानी का नाम था पद्मिनी, कंप्लीट। अब मित्रों अच्छे से सुना, इस पद्मिनी के ऊपर ग्रंथ लिखा मलिक मोहम्मद मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने ग्रंथ लिखा, और ग्रंथ जो लिखा उसका नाम था पद्मावत। क्या नाम था? पद्मावत। ये ग्रंथ जो लिखा मित्रों, ये 1540 में लिखा। कब लिखा? 1540 में। अब मित्रों अच्छे से ध्यान रखना, अब ये रावल रतन सिंह के समय, और रावल रतन सिंह का अगर हम समय काल देखें, शासन काल देखें, तो इनका शासन काल 1302 से 1303 के बीच रहा, और जो भी घटनाएं घटित होगी वो 1302 से 1303 के बीच में घटित होगी। और यहां पर देखो, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो ये ग्रंथ लिखा है वो कब लिखा है? वो लिखा 1540 में। तो पिछले वाले विद्वान कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी के माइंड में जो चीजें आई वो चीजें इसने छाप दी पद्मिनी के बारे में, पर हमें तो याद रखना पड़ेगा। तो पहली यहां पर यही दो चीजें आपने सीख ली कि रतन सिंह की रानी का नाम पद्मिनी था, दूसरी चीज पद्मावत नामक ग्रंथ जो लिखा था वो इतिहासकार मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। कब लिखा? कि 1540 में। अब इस ग्रंथ के अनुसार ही मूवी बनाई थी संजय लीला बंसाली ने, और अगर रतन सिंह का इतिहास तुम्हें अच्छे से याद करना हो तो ये मूवी देख लेना। लगभग लगभग इसके अंदर जो पात्र होंगे, जो घटनाएं घटित होंगी, वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी। पर इस संजय लीला बंसाली ने इस मूवी में क्या किया था, इतिहास के साथ कुछ छेड़खानियां की, थोड़े अलग तरीके से इस मूवी को पेश किया, तो ये बात कर्णी सेना को पसंद नहीं आई। और जब संजय लीला बंसाली जयपुर आया था तो उसके सुपरमैन पंच पड़े और उसकी धुलाई हो गई। और बिल्कुल जाहिर सी बात है मित्रों, इतिहास के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो सुनो अच्छे से, अब मैं तुम्हें
इसकी घटना बताता हूं होता क्या है। देखो अच्छे से, ये हो गए रावल रतन सिंह, कंप्लीट अच्छे से देखना। अब कहा जाता है, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ के अनुसार बता रहा हूं कि एक सिंहल द्वीप, यानी श्रीलंका नाम आपने सुना, श्रीलंका, श्रीलंका के अंदर एक सिंहल द्वीप नाम का साम्राज्य था। कौन सा? सिंहल द्वीप नाम का साम्राज्य। और इस सिंहल द्वीप साम्राज्य के जो राजा थे मित्रों, अच्छे से देखना, साम्राज्य के जो राजा थे वो गंधर्व सेन थे, गंधर्व सेन। और इस गंधर्व सेन की एक पुत्री थी, एक राजकुमारी थी, राजकुमारी जिसका नाम था मित्रों पद्मिनी। क्या नाम था? पद्मिनी, कंप्लीट। कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी सौंदर्यवान थी, यह दिखने में बहुत खूबसूरत थी, कंप्लीट। इस बात को ध्यान रखोगे। अब मित्रों, इसी गंधर्व सेन के पास मनुष्य की भाषा बोलने वाला, मनुष्य की हूबहू भाषा बोलने वाला एक तोता था जिसका नाम था हीरामन तोता। कौन सा तोता? हीरामन तोता, कंप्लीट। अगर एग्जाम में याद रखना, ये आज भी हीरामन तोता नाम की प्रजाति के जो तोते हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं, और अभयारण्यों से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछ सकता है। क्या पूछेगा? कि राजस्थान के कौन से अभयारण्य के अंदर हीरामन तोते नाम की प्रजाति के तोते पाए जाते हैं? तो गागरोण अभयारण्य के अंदर, कंप्लीट। इसको भी ध्यान रखोगे आप। अब देखो अच्छे से, अब मित्रों, अब इस पद्मिनी के सौंदर्य की बात करें, दिखने में कैसी थी, थोबड़ा कैसा था, चेहरा कैसा था, तो वो बात करते हैं मित्रों। कहा जाता है पद्मिनी के बारे में, सुनना, कि पद्मिनी जब भी पान खाती थी, गुटखा मिराज नहीं, विमल नहीं, पान, जब पान खाती थी और जब पान खाकर जब वो निगलती थी तो पान का जो पीक होता था, जो कलर होता था, उस पान के कलर से उसका कंठ का जो रंग चेंज होता था वो स्पष्ट दिखाई देता था। हंसनी के समान उसकी चाल थी, उसके क्या बाल थे और उसकी क्या ढाल थी। उसके अलावा कहा जाता है कि पद्मिनी की नाड़ियों में, नसों में जो खून दौड़ता था वो स्पष्ट दिखाई देता था, अगर उसको धूप में खड़ा कर दे तो। ये पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में कहा गया कि इतनी सौंदर्यवान थी, इतनी खूबसूरत थी। अब मित्रों, तब इसके पिता गंधर्व सेन ने कहा कि भाई मेरी जो लड़की है, और हर पिता का दायित्व, और उन पिता क्या सोचता है, हर पिता क्या सोचता है, वो बिल्कुल लाजमी था, जो गंधर्व सेन भी जो सोच रहे थे। गंधर्व सेन ने कहा कि भाई मेरी जो राजकुमारी है, मेरी राजकुमारी का विवाह ऐसे वैसे राजा के साथ मैं नहीं करूंगा, मेरी पुत्री का विवाह, मेरी राजकुमारी का विवाह मैं ऐसे राजा के साथ करूंगा जिसका साम्राज्य सुख संपदा से भरा हुआ हो, उसके साम्राज्य में कोई हिंसात्मक घटनाएं घटित नहीं हो, और वहां का जो राजा हो वो बहुत अच्छा राजा हो, कंप्लीट। यही सोचता है, और अभी भी वर्तमान में यही सोचा जाता है, यही सोचकर एक पिता अपने पुत्री का विवाह करता है, कंप्लीट। तो सुनना, तो अब गंधर्व सेन ने मित्रों अपनी राजकुमारी पद्मिनी के वर के लिए ये जो जिम्मेदारी दी थी
वो हीरामन तोता को दी थी। किसको? हीरामन तोता को। हीरामन तोता को गंधर्व सेन ने कहा कि भाई तू जा, लगभग लगभग इस पृथ्वी पर जो साम्राज्य है, बड़े बड़े साम्राज्य, उन साम्राज्यों पर जाकर तू चक्कर लगा और उस साम्राज्य के राजा का पता कर जो मेरी पुत्री के योग्य हो। तो सुनना अच्छे से, अब ये हीरामन तोता को कहा गया, यार हीरामन तोता क्या करता है मित्रों, उड़कर जाता है, खूब सारे साम्राज्यों के चक्कर लगाता है और चक्कर लगाता फड़फड़ करता करता आ जाता है हमारे चित्तौड़ में। कहां आ जाता है? चित्तौड़ में। अब चित्तौड़ में आया, चित्तौड़ के चारों तरफ वो चक्कर लगा रहा था। क्या लगा रहा था? चक्कर लगा रहा था। अब जब चक्कर लगा रहा था मित्रों, तो वहां पर एक तांत्रिक बैठा था। क्या बैठा था? तांत्रिक बैठा था। इस तांत्रिक को योगी भी बोल सकते हो। एक योगी बैठा था जिसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन। ये राघव चेतन क्या करता है मित्रों, वो इसकी नजर इस तोते पर पड़ जाती है। कौन से तोते पर? हीरामन तोते पर। और ये हीरामन तोता राजकुमारी के लिए राजकुमार संभालने को निकला। अब मित्रों, अब इस हीरामन तोते पर राघव चेतन की नजर पड़ी, तब राघव चेतन ने कहा साला ये जानवर जो है काफी समय से नोटिस कर रहा हूं, ये हमारे साम्राज्य के ऊपर चक्कर लगा रहा है, कहीं ये कोई गुप्तचर तो नहीं है जो हमारे साम्राज्य की सूचना लेकर कोई और राजा को दे। तो उसने ये सोचा, तो मित्रों उसने अपनी तांत्रिक विद्या स्टार्ट की, एहिकली चामुंडाई विच्चे, ये मंत्र पढ़ने स्टार्ट किए। और अगर आप भी तांत्रिक बनना चाहते हो ना, तो अच्छे से ध्यान रखना, अगर आप भी तांत्रिक बनना चाहते हो और ये जो राघव चेतन भी जो तांत्रिक बना था, वो याद रखना वेदों को पढ़ा था। और वेद कितने हैं मित्रों? चार। और चार वेदों में एक वेद है अथर्व वेद। कौन सा वेद? अथर्व वेद। इस अथर्व वेद से हमें किसका ज्ञान मिलता है? जादू टोना, जादू टोने, वशीकरण, किसको वश में करना, ये बातें हमें मिलती है, टोटके करना, ये बातें मिलती है। तो राघव चेतन ने भी अथर्व वेद पढ़कर निपुण हो गया और इसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से इस हीरामन तोता जो फड़फड़ाता घूम रहा था, इसको नीचे गिराया। और नीचे गिराया मित्रों, जब हीरामन तोता नीचे गिरा तो राघव चेतन ने इसको पकड़ा, चित्तौड़ में गया और चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह को दिया कि यह हमारे साम्राज्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और चक्कर लगा रहा था तब मैंने इसको नोटिस किया, शायद ये कोई दुश्मन की चाल है और ये कोई दुश्मन का गुप्तचर है जो हमारी जानकारी ले जाकर उसको दे रहा है। तब रतन सिंह ने कहा ठीक है आप जाओ, राघव चेतन को भेज दिया। अब मित्रों हीरामन तोते को देखा और वही बात कही, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। जब ये बात कही तब रतन सिंह ने कहा कि भाई बता, तू जल्दी बता वरना अभी तेरी गांठ की जो है वो मरोड़ दूंगा, एक मिनट लगेगा, वरना सच बता तू कौन है, किसका गुप्तचर है। तब हीरामन तोता कहता है ना तो मैं किसी का गुप्तचर हूं और ना ही मैं किसी को जानकारी ले जाकर दे रहा हूं, मैं तो एक कन्या के लिए वर संभाल रहा हूं। उस समय जब रतन सिंह को पता चला तो रतन सिंह ने अपनी कॉलर वॉलर सही की, एकदम ऐसे सूट बूट की तरह ऐसे खड़े हो गए, कहा भाई बता कैसा लड़का, कैसी किस कन्या के लिए देख रहा है, अरे वो कन्या कौन है हमें भी तो बता भाई। तो अब मित्रों हीरामन तोते ने जो ही ये बात कही तो रतन सिंह एकदम
खड़े हो गए और कहा कि बताओ कौन कन्या है, उसका इंट्रोडक्शन दो भाई, जानकारी दो, कोई फेसबुक आईडी दो, व्हाट्सअप व्हाट्सअप नंबर दो, इंस्टा चलाती है तो इंस्टा आईडी दो, ताकि मैं भी देखूं कौन है। तो अब हीरामन तोते ने कहा सब कुछ बताऊंगा, सुनो अच्छे से। कहा कि मैं श्रीलंका के अंदर एक सिंहल द्वीप साम्राज्य है वहां से उड़कर आया हूं, और सिंहल द्वीप के जो राजा है वो गंधर्व सेन है, और गंधर्व सेन की एक अति सुंदर पुत्री है जिसका नाम पद्मिनी है, और इस पद्मिनी के बारे में वही बताता है जो मैंने आपको बताया। कहा हीरामन तोते ने रतन सिंह को पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में कहा, क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या बाल है, क्या उसकी अदा है, उस अदा से ही तो नशा चढ़ जाता है। तब जैसे जैसे हीरामन तोता बताता है, रतन सिंह भी वैसे सोचने लगते हैं। सुनते रहना अच्छे से। अब मित्रों सोचने लगे, अब सोचते सोचते वो क्या सोचता, आगे क्या बताता है, कहता है कि जब भी पद्मिनी पान का सेवन करती है, पान खाती है, तो उस पान से जो उसके कंठ का जो कलर चेंज होता है, जो रंग चेंज होता है, बदलता है, वो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। कहा तेरी क्या बात है, इतनी खूबसूरत है। कहा जी। फिर कहा कि उसकी नसों में जो खून दौड़ता है वो भी हमें अच्छे से दिखाई देता है। जब ये बातें बताई मित्रों, तो रतन सिंह एक गाना होता है, मुझको याद सताए तेरी, ये गाना गाने लगे, और रात को सोते वक्त सोचने लगे किसके बारे में, जो पद्मिनी के बारे में, जो हीरामन तोते ने जो जानकारी बताई थी। अब मित्रों सपोज करो हमारे घर पर भी, जैसे सपोज करो मम्मी पापा रिश्ता लेकर गए हमारा, और रिश्ता लेकर गए और वहाँ पर देखा, और वापस आकर घर पे बातें की, और किचन में बैठे बैठे पापा मम्मी सिस्टर लोग वगैरह सभी बैठे हैं, हम पास वाले कमरे में बैठे हैं और बातें कर रहे हैं कि भाई छोरी देख रहा है बहुत फूट रही है, बाल ऐडा है, थोबड़ो ऐडो है, फूट रही है, बहुत अच्छी है। जब ऐसी बातें करते हैं तो हम पास से कान लगाकर सुनते हैं, और जैसे जैसे वो बताते हैं, नाइट में सोते सोते बेटा मन में लड्डू फूटा, तो ऐसे सोचते हैं, जैसे वो बताते हैं हम भी सोचते हैं कि ऐसी होगी वैसी होगी, न जाने कैसी होगी, ये बातें हम सोचते हैं। तो वैसे रतन सिंह भी सोचने लगे। अब पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में हीरामन तोते ने अवगत करवाया, और हीरामन तोता उड़कर चला गया। तो यहां से तुम्हारे एग्जामों में सवाल पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, ध्यान रखना कि पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में रावल रतन सिंह को किसने अवगत करवाया, तो आप कहोगे हीरामन तोते ने। कंप्लीट नंबर वन क्वेश्चंस। अब सुनते रहना, आप कहानी को सुनोगे, ऑटोमेटिकली आपके सभी क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। हालांकि रतन सिंह के 8 से 10 पॉइंट ही बनते हैं, पर इस 10 पॉइंट के लिए देख लो, संजय लीला भंसाली ने 2.5 घंटे की मूवी बनाई और उसके अंदर करोड़ों छाप लिए, तो थोड़ा टाइम लगेगा। इस कहानी को अच्छे से सुनिए। अब मित्रों जब ये बात बता दी गई, और जब रतन सिंह की जो इच्छाएं थी, उसके अंदर जो पद्मिनी को देखने की जो इच्छा थी, वो इच्छाएं अनलिमिटेड रूप से बढ़ने लगी, और जब उसको लगा कि नहीं यार अब तो उसको उसके साक्षात दर्शन ही करने पड़ेंगे, ऐसे काम चलने वाला नहीं है, तब कहा जाता है कि मित्रों रतन सिंह स्वयं चलकर गए कहां, सिंहल द्वीप। सुनते रहना। अब ये जो मैं पूरी कहानी बता रहा हूं, ये तुम्हें कहानी बता रहा हूं मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार। अब मलिक मोहम्मद जायसी कहता है कि रतन सिंह जी चित्तौड़ से चलकर सिंहल द्वीप में प्रवेश करते हैं, तब एक योगी का रूप धारण कर लेता है। किसका? योगी का, यानी अपना सूट बूट वगैरह चेंज कर लेता है। अब सूट बूट वगैरह चेंज कर लिए और पद्मिनी के बारे में वहां सिंहल द्वीप के अंदर चर्चा करते हैं वहां आम व्यक्तियों से, और उनको कहता है कि भाई जी आपके अठे कोई एन की लड़की है कई,
जीके पान खावे तो कंठ लाल हो जावे, नाड़िया के मायने खून दौड़ तो दिखे, घना बाल है, बहुत बढ़िया हंसनी के समान चाल है, ऐसी कोई लड़की है क्या आपके साम्राज्य में? तब वहां के जो आदमियों से जो जानकारी मिलती वो कहते हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो कहा रतन सिंह ने कहा चलो ठीक है, सही जगह पर, ठावी जगह पर आया। तो रतन सिंह कहवे, कई कहवे कि भाई इका साक्षात दर्शन कटे होई, मैं तो भी के बारे में सुनियो ही हो। तो बात जनता जो व्यक्ति होते जो इसको जानकारी देते हैं, वे कहते हैं दर्शन को नहीं होवे, यहाँ दर्शन को नहीं होवे, थोड़ो भुगतनो पड़े। तो क्या बताओ तो सही कि यहाँ दर्शन होई। तो कहा कि तुम्हें वो महल से तो बारी नहीं निकलती है, हाँ कभी कभार मॉर्निंग वॉक यानी सुबह घूमने जरूर आती है, वो बाग है उस बाग के अंदर घूमने आती है। तो उस बाग का पता कर रतन सिंह जी उस बाग में चले जाते हैं, और कहा जाता है और जाई सिंह ने कहा है कि रतन सिंह ने उस बाग के अंदर करीबन करीबन 6 से 8 माह तक इंतजार किया और गाना गाते रहे, इंतजार करूंगा, एतबार करूंगा और हद से भी ज्यादा डॉट डॉट करूंगा, ये गीत गाते रहे। अब मित्रों काफी समय हो गया, पद्मनी आई नहीं वहां पर, और जिसको आना था वो तो आई नहीं और वहां पर पहुंच गए कोई और। तो अच्छे से सुनना मित्रों, अब ऐसी कंडीशन कभी कभार बन भी जाती है, तो देखते रहिए और सुनते रहिए अच्छे से। तो देखो अब रतन सिंह जो थे वो बगीचे में आ गए और जयसी कहता है कि करीबन करीबन 6 से 8 माह तक बगीचे में क्या किया था, इंतजार किया था पद्मनी का। अब हुआ क्या मित्रों, अब देखना, अब पद्मनी जो है मित्रों वो तो बगीचे में आई नहीं, और रतन सिंह जी इधर 6 से 8 माह तक इंतजार करते रहे किसका, हमारे पद्मनी का। और कई बार जाहिर सी बात है होता हुआ होगा या ट्रेजेडिया आपके साथ भी हुई होगी, होता क्या है कि हम किसी और का इंतजार करते हैं, कहते हैं कि भाई फलानी जगह 5 बजे उस जगह पर उस गार्डन में इतने बजे इंतजार करूंगा, जल्दी आ जाना और पानी पता से और गोलगप्पे खाएंगे। अब मित्रों हमने समय दे दिया, और किस्मत जब खराब हो, किस्मत पर जब कर्म फूट जाए, तो देखना होता क्या है, जिसका हम इंतजार करते हैं वहां पर वो तो आते नहीं और उसके भाई की या किसी और की एंट्री हो जाती है, तब हमें 9-2-11 होना पड़ता है। तो ऐसे ही यहां पर हुआ, जब रतन सिंह जी इंतजार कर रहे थे मित्रों, तब यहां पर एंट्री हुई सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की। अब गंधर्व सेन आ गए कहां, उस बगीचे के अंदर जहां पर हमारे रतन सिंह जी इंतजार कर रहे थे और बैठे थे। अब जब गंधर्व सेन आए और रतन सिंह को योगी के वेश में देखा, तो इनके शरीर से गंधर्व सेन को शक हो गया कि ये जो बंदा बैठा है भाई, ये जो योगी के रूप में जो बैठा है, ये योगी तो नहीं है, ये योगी के रूप में कोई दूसरा बैठा है। तो गए गंधर्व सेन जी पास में और कहा नमस्ते ऋषि मुनि जी, कैसे हो, सब बढ़िया, आप यहाँ क्या कर रहे हो, चलो हमारे साम्राज्य में चलो, वहां पर आपकी अच्छी खातिरदारी की जाएगी, आपका आदर सम्मान किया जाएगा। जब ये बात कही गई मित्रों, तब रतन सिंह ने पहले तो कहा नहीं नहीं मैं यहाँ पर ठीक हूँ, कंफर्टेबल नहीं का चलना पड़ेगा। तो मित्रों जबरदस्ती लेकर गए रतन सिंह को, और बाद में रतन सिंह पर वहां पर पूछताछ की गई, तब रतन सिंह ने कहा, जब रतन सिंह
ने पहले तो बताया नहीं, और जब इनको कहा गया कि तुम्हें दंडित किया जाएगा वरना सच सच बता दो कि तुम कौन हो, वरना तगड़ा हमारे पास दूसरा भी इंतजाम है सच उगलवाने का, तब मित्रों रतन सिंह ने कहा कि देखो आप मुझे दंडित मत करो, मैं चित्तौड़ का रावल हूं, मेरा खुद का साम्राज्य है, मेरे पास एक कोई हीरा मन तोता करके एक तोता आया, हीरा मन करके वो मेरे साम्राज्य में आया और उसने मुझे एक राजकुमारी के सौंदर्य के बारे में बताया। किसके बारे में? राजकुमारी के सौंदर्य के बारे में बताया, और मैं इस राजकुमारी को देखने के लिए यहाँ तक आया हूँ, और मैं बगीचे में भी उसी का इंतजार कर रहा था। जब ये बात बताई पूरी तो गंधर्व सेन खुश हुए। गंधर्व सेन ने कहा कि मेरा जो हीरामन तोता था उसने इसी बंदे को चूज किया। तो अब मित्रों रतन सिंह ने गंधर्व सेन ने रतन सिंह को कहा, रतन सिंह जी आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, और आप जिस राजकुमारी की, जिस कन्या की बात कर रहे हो जो अति सुंदरीय और सौंदर्यवान जो है, वो मैं कोई और नहीं, वो मेरी पुत्री है। किसने कहा? गंधर्व सेन ने। तब रतन सिंह ने कहा चलो ठीक है, तो फिर शादी करवा दो। तो मित्रों अब गंधर्व सेन ने रतन सिंह के साथ शादी कर दी, पर गंधर्व सेन ने सोचा ये रतन सिंह बहुत दूर से आया है, क्या पता कोई साजिश हो, क्या कोई चाल हो, वहां पर मेरी पुत्री को ले जाकर अच्छे से नहीं रखे तो फिर क्या होगा। तो इसी गंधर्व सेन ने मित्रों पद्मनी को जब विदा किया तो इसी पद्मनी के साथ दो बॉडीगार्ड भेजे, एक का नाम था गोरा और दूसरे का नाम था बादल। दोनों के नाम अच्छे से ध्यान रखोगे। ये पद्मनी के साथ आए। अब गंधर्व सेन यानी सिंहल द्वीप से विदा किया गंधर्व सेन ने रतन सिंह, पद्मनी और गोरा बादल को कहा कि मेरी बच्ची का ख्याल रखना और इसको अच्छे से ध्यान रखना इसका। अब वो आए। अब मित्रों ज्यो ज्यो रावल रतन सिंह चित्तौड़ की तरफ बढ़ रहा था और जहां जहां से गुजर रहा था तो पद्मनी के सौंदर्य की चर्चाएं हो रही थी कि क्या रानी है, क्या सौंदर्य रूपवान रानी है, उसके सौंदर्य की चर्चाएं चल रही थी। अब रतन सिंह अपनी रानी को लेकर चित्तौड़ आया तो चित्तौड़ की जनता भी इस पद्मनी को देखने के लिए उमड़ी और उसको देखा और उसके सौंदर्य की चर्चाएं की। गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर चर्चाएं हो रही थी और बिल्कुल जो खूबसूरतवान, जो सौंदर्यवान और गुणवान जो होते हैं उनकी चर्चाएं तो हर जगह होती है, जाहिर सी बात है। तो अच्छे से सुनना। अब मित्रों जब चित्तौड़ की जनता पद्मनी को देखकर जब वापस गुजर रही थी और वो पद्मनी के सौंदर्य के चर्चे कर रही थी, तब वही तांत्रिक राघव चेतन इन जनता से पता चलता है। तो वो राघव चेतन कहता है साला ऐसी कैसी रानी है, मैं भी तो उसको देखूं, मैं भी उसके साक्षात दर्शन करूं। तो राघव चेतन मित्रों पद्मनी को देखता है तो पद्मनी के सौंदर्य को देखकर वो बौखला जाता है, उसके मन में वासना जाग जाती है और वो सोचता है कि क्यों नहीं ये रानी जो है वो मेरी बन जाए। उसको पाने के लिए उस वो तांत्रिक विद्याएं करने लगा और एक दिन वो पद्मनी के कक्ष में भी घुस जाता है। पद्मनी की नज़र इस राघव चेतन पर पड़ जाती है और राघव चेतन वहाँ से भाग जाता है। अब जब रतन सिंह जी पद्मनी के पास आते हैं तब पद्मनी का मुंह उतरा हुआ होता है। तब रतन सिंह जी कहता है ए रानी क्या हुआ, तेरा मुंह उतरा हुआ क्यों है, जिस चेहरे पे चमक रहती है, जिसको देखकर मेरा मन खुश होता है, आज वो चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है। तब पद्मनी कहती है कि मेरे कक्ष के अंदर राघव चेतन घुस गया था। जब ये बात रतन सिंह को पता चली तब रतन सिंह ने कहा था ऐसे व्यक्ति को मेरे साम्राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसे व्यक्ति की सजा तो एक ही है, सजा ए मौत, मृत्युदंड।
रतन सिंह ने तो उस समय कह दिया कि राघव चेतन को मैं मृत्यु दंड दे दूंगा, पर पद्मिनी ने कहा, हे स्वामी, आप ऐसा नहीं कर सकते, वो एक तांत्रिक है, योगी है, और योगी को एक राजा कभी भी मृत्यु दंड नहीं दे सकता, आप ये सजा मत दीजिए। तब रानी के कहने पर, पद्मिनी के कहने पर रतन सिंह ने कहा, चलो ठीक है, मैं उसको मृत्यु दंड नहीं दूंगा, पर उसको मेरे साम्राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं अपने साम्राज्य से उसको देश निकाला दे दूंगा। तो मित्रों, अगले दिन सभा हुई, सभा के अंदर राघव चेतन को पेश किया गया और रतन सिंह ने उसको देश निकाला दे दिया। तब राघव चेतन ने रतन सिंह को कहा कि यह हुलिया, यह थोबड़ा मेरा अच्छे से देख ले रतन सिंह, तो जिस व्यक्ति को आज देश निकाला दे रहा है, यही व्यक्ति एक दिन वापस आएगा, और मैं तुझे चैलेंज देता हूं कि तुझे जिस पर घमंड है, मैं उस घमंड को हमेशा के लिए तोड़ दूंगा और तेरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला दूंगा। ये चेतावनी देकर राघव चेतन चित्तौड़ छोड़कर चला गया। अब मित्रों, यहां से चला गया और सीधा कहां गया, सुनना, सीधा गया दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास। किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और अलाउद्दीन खिलजी से आकस्मिक बैठक रखी, मुलाकात की। यानी वो रात्रि के समय राघव चेतन पहुंचा था खिलजी के पास और जाकर उसने कहा, राघव चेतन ने कहा, हे सुल्तान, तेरी जितनी कितनी भी बेगम है, उन सभी बेगमों को मेरे सामने हाजिर किया जाए। तब सुल्तान ने कहा, योगी जी है, ऋषि मुनि जी है, क्या पता कोई बात बताना चाहेंगे तो। तो खिलजी क्या करता, अपनी सभी बेगमों को बुलाता है, उन सभी बेगमों के जो बुरखा पहन रखा है उनका बुरखा उठाया जाता है, उनके चेहरे देखे जाते हैं, चेहरे देखता है राघव चेतन, और उन सब के चेहरे देखकर जोर जोर से हंसता है और कहता है, सुल्तान, ये तेरी बेगमें हैं। जब ऐसे कहता है तब सुल्तान कहता है, खबरदार, इससे आगे अगर एक शब्द बोला तो। जी हुई ये कहा, तब राघव चेतन ने कहा, नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बेगमें है। फिर खिलजी ने कहा बेगमों को, कहा कि आप हरम में जाओ, हरम का मतलब अपने कक्ष में जाओ, हरम में भेज दिया। अब मित्रों, अब राघव चेतन ने कहा, सुल्तान, तेरी ये जो बेगमें है ये तो बहुत अच्छी है, पर पद्मिनी के सामने कुछ भी नहीं है। ये बात कही किसने? राघव चेतन ने। अब मित्रों, राघव चेतन ने भी बखान किया, सौंदर्यता के बारे में बताया पद्मिनी के बारे में किसको? खिलजी को। और यहां से तुम्हारे एग्जामों में सवाल पूछा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में किसने अवगत करवाया, तो आपको उत्तर ठोकना है, राघव चेतन। और अगर प्रश्न पूछ ले, रावल रतन सिंह को पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में किसने अवगत करवाया, तो आप उत्तर दोगे, हीरामन तोता ने। कंप्लीट। अब वो सभी बातें बताई मित्रों कि क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या बाल है, कंठ लाल हो जाता है, नसों में खून दौड़ता हुआ दिखाई देता है। जब ये बातें बताई मित्रों, तो अलाउद्दीन खिलजी का मुंह खुला का खुला रह गया, मक्खी आराम से शरीर में जाकर सैर सपाटे करके आ सकती थी। जब ये बात बताई राघव चेतन ने खिलजी को, तो खिलजी ने भी सोचा कि क्यों नहीं एक बार इस रानी के साक्षात दर्शन किए जाए। तो मित्रों, पर खिलजी ने सोचा कि क्या पता ये कोई षड्यंत्र या कोई साजिश हो। तब मित्रों, खिलजी ने राघव चेतन को कहा, देख योगी, अगर तूने ये जो बातें बताई, अगर ये सत्य साबित नहीं हुई तो फिर। तब कहा राघव चेतन ने कि अगर मैं जो बातें बता रहा हूं ये अगर सत्य साबित नहीं हो सुल्तान, तो तुम मेरा सिर और तुम्हारी तलवार हाजिर है, मैं अपना सिर धड़ से अलग करवा दूंगा।
खिलजी ने कहा बेटे का जो कॉन्फिडेंस जो है वो तो 100 नहीं 200% है। तो कहा जाता है मित्रों खिलजी अपनी पूरी सेना लेकर चित्तौड़ आ गया और चित्तौड़ के बाहर आकर पड़ाव डाल दिया और अपने एक सेनापति को भेजा कि जाओ रतन सिंह से मिलकर आओ। और जिस सेनापति को भेजा था उसका नाम मलिक काफूर था। अब मलिक काफूर चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह से मिलने आए और ये जो मलिक काफूर जो था मित्रों ये किन्नर था, ये एक हिंजड़ा था। तो मित्रों अब किन्नर रावल रतन सिंह के पास पहुंचा, जो सेनापति था खिलजी का, उसने जाकर कहा कि जब देखा, पहले तो उसको देखा रतन सिंह ने, तो रतन सिंह ने कहा क्या बात है सुल्तान, तेरे साम्राज्य में कोई मर्द ही नहीं था जो इसको भेज दिया। जब ये बात कही गई मित्रों तो गुस्सा आया बहुत खतरनाक वाला मलिक काफूर को, और मलिक काफूर ने मन ही मन में कहा कि राजा जी समय आने पर इसका भी जवाब दूंगा कि मैं कितना खतरनाक और धुआंधार हूँ। अब सुनना अच्छे से, मलिक काफूर ने कहा कि हमारे सुल्तान तुम्हारे साम्राज्य पर आक्रमण करने नहीं आए हैं, हमारे सुल्तान तो जब तुम्हारे साम्राज्य की सुख समृद्धि देखी यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा कि चित्तौड़ के राजा से एक मुलाकात हो जाए, तो हमारे सुल्तान आपसे मिलना चाहते हैं। तो रावल रतन सिंह ने कहा अपने सुल्तान को जाकर कह देना कि हमारे यहाँ का चित्तौड़ साम्राज्य का एक नियम है अतिथि देवो भव, और सुल्तान को कहना कि शाम का खाना आपको चित्तौड़ में ही मिलेगा। अब मित्रों मलिक काफूर जाता है सुल्तान को पूरी बात बताता है, सुल्तान शाम का खाना लेने भी रतन सिंह के घर आता है और खाना खाने आता है तब दोनों के बीच में अपने साम्राज्य को लेकर दोनों में मंत्रणाएं होती है, बातें होती है और हंसी मजाक भी होती है। अब जब यह हंसी मजाक का माहौल बना तब सुल्तान ने कहा कि क्यों नहीं अब मैं पद्मिनी के बारे में पूछ लूं। तो खाना खाते खाते जो ही वो हंसी मजाक का माहौल था तो उसने अवसर पाकर कहा कि राजा जी मैंने सुना है आपकी रानी जो है सौंदर्यवान है, बहुत खूबसूरत है। जो ही ये बात कही मित्रों तो कहा जाता है कि रतन सिंह ने अपनी तलवार निकाली और वो खिलजी यानी सुल्तान के गले पर लगा दी और सुल्तान को कहा सुल्तान अगर हम राजपूतों की, हम मारवाड़ियों की, हमारे मेवाड़ियों के गुहिल राजवंश की एक परंपरा नहीं होती अतिथि देवो भव, तो अभी तेरा सिर जो है वो धड़ से अलग होता। जब ये बात कही गई तो रतन सिंह खिलजी कहता है राजा जी मैं मजाक कर रहा था। जब ये बात कही गई तो मित्रों वापस जो मामला गरमरा गया था, गर्म हो गया था, उसको शांत कर दिया गया। अब मित्रों हुआ क्या, अब रतन सिंह वापस गया और रतन सिंह ने जाकर एक बात कही, रतन सिंह ने वापस अपना सेनापति भेजा और सेनापति भेजकर कहलवाया किसको, रतन सिंह को कि खिलजी ने भेजा था, और कहलवाया कि अब जब तक पद्मिनी को नहीं देख लूंगा तब तक मैं चित्तौड़ छोड़कर नहीं जाऊंगा और चित्तौड़ पर आक्रमण करूंगा। जब ये बात कही मित्रों और ये बात पूरे साम्राज्य में फैल गई, ये बात रानी को भी पता चल गई, तब रानी ने जिद किया। रतन सिंह ने तो कहा कि मर जाऊंगा मिट जाऊंगा पर अपनी रानी को दुश्मन को नहीं दिखाऊंगा। ये बात जब कही गई मित्रों तो रानी ने जिद किया, पद्मिनी ने जिद किया कि अगर मेरे को देखने से मेरा साम्राज्य और मेरे साम्राज्य की जनता सुरक्षित रहती है तो मैं 1000 बार दिखने को तैयार हूँ राजा जी, आप दिखा दीजिए निसंकोच होकर। जब ये जिद किया गया पद्मिनी के द्वारा तो मित्रों कहा जाता है कि रतन सिंह ने खिलजी को बुलाया और झरोके में खड़ी रही पद्मिनी, उसकी प्रतिछाया प्रतिबिंब पड़ा पानी के अंदर और पानी से उसका वापस प्रतिबिंब बना दर्पण पर और दर्पण के अंदर खिलजी को दिखाई गई पद्मिनी। अब वो देखकर बहुत लालायित
परिवर्तित हो गया, उसके जो मन की जो इच्छाएं थी वो और प्रबल हो गई, वो बढ़ गई पद्मनी के सौंदर्य को देखकर, और उसने ये जाना कि मैंने जितना सोचा था उससे 1000 गुना सुंदर है पद्मनी, क्यों नहीं ये मेरी हो जाए। तो अब वो भी मित्रों पाने की लालसा करने लगा और देखकर रतन सिंह को कहा कि आप बहुत बड़े और धन्य राजा है जो आपने मेरी ये कामना जो इच्छा थी ये भी पूरी की। तो फिर कहा कि अब हमें मुख्य द्वार तक बार छोड़ने नहीं चलोगे, अब हम दिल्ली जाएंगे। तो कहा जाता है मित्रों जब रतन सिंह जी उसको मुख्य द्वार तक छोड़ने गए थे तब खिलजी ने मुख्य द्वार से धक्का दे दिया रतन सिंह को बाहर, और खिलजी बाहर चला गया और खिलजी रतन सिंह को बंदी बनाकर दिल्ली ले गया और दिल्ली से एक पत्र भेजा कहां चित्तौड़, कहा कि अगर रतन सिंह चाहिए तो पद्मनी दिल्ली आए और मेरी हो जाए। तो मित्रों अब जब पत्र दिल्ली से भेजा गया तो पद्मनी ने देखो कितनी वो सौंदर्यवान तो थी पर वो उसमें देखो एक शतराणी के गुण भी थे, वो अब यहाँ पर पता चलेंगे। तो पद्मनी ने पहले ये कहा गोरा बादल को और अपने गुप्तचरों को कि पहले ये पता लगाया जाए कि इस दिल्ली के सुल्तान को मेरे सौंदर्य के बारे में अवगत किसने करवाया। तब नाम आया राघव चेतन का। तब मित्रों पद्मनी ने एक वापस पत्र लिखा दिल्ली के सुल्तान को और क्या कहा उसमें, क्या लिखा कि जिस दिन राघव चेतन का सिर कटकर चित्तौड़ पहुंच जाएगा उस दिन मैं स्वयं चलकर दिल्ली आऊंगी और आपकी हो जाऊंगी। तो मित्रों अब वो पत्र गया और एक गाना भी है बॉलीवुड के अंदर, मैं किसी और का हूं फिलहाल तेरा ना हो जाऊं, कंप्लीट ना, तो ये याद रखा करो। तो अब मित्रों वो पत्र पहुंचा कहां, दिल्ली। अब दिल्ली पत्र पहुंचा और जो खिलजी के जो सैनिक थे वो पत्र लेकर खिलजी के पास गए और खिलजी देखो खिलजी थोड़ा निरक्षर था, पढ़ा हुआ था, पढ़ा लिखा था पर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। अब जो वो पत्र आया था तो खिलजी वो पत्र लेकर राघव चेतन के पास पहुंचा और राघव चेतन को कहा कि भाई ये पत्र चित्तौड़ से आया है, इसको थोड़ा पढ़ के सुना मुझे, ये पद्मनी ने भेजा है, शायद ये मेरा पत्र है, मेरे लिए भेजा गया। तो राघव चेतन ने वो पत्र खोला और उसमें पढ़ा, उसमें ज्यों ही पड़ा वो जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि सुल्तान इसमें जो बात लिखी हुई है वो कभी भी हो नहीं सकती, पूरी नहीं हो सकती। और वो जब हंस रहा था तो पद्मनी खिलजी ने कहा कि साला पत्र आया मेरे लिए, ये राघव चेतन क्यों हंस रहा है। तब खिलजी ने कहा बताओ इस पत्र में क्या लिखा हुआ है। तब राघव चेतन कहता है सुल्तान इसमें जो बात लिखी है वो कभी होगी नहीं पूरी। का बता तो सही भाई क्या बात लिखी हुई है, कि इस पत्र में रानी पद्मनी लिखती है कि जिस दिन राघव चेतन का कटा हुआ सिर यानी मेरा कटा हुआ सिर अगर चित्तौड़ पहुंच जाएगा तो मैं स्वयं चलकर दिल्ली आऊंगी और हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। जो ही ये न्यूज पड़ी मित्रों राघव चेतन ने तो मजा आ गया और जोर जोर से हंसने लगा अलाउद्दीन खिलजी। अब जो ही वो हंसने लगा और कंधे पर हाथ दे दिया राघव चेतन के और राघव चेतन को कहा सुन योगी सुन तांत्रिक, पद्मनी अगर पत्र के अंदर मेरी सभी बेगमों के सिर मांग लेती तो मैं उनके भी सिर काट कर भेज देता, तो बता तू कौन से खेत की मूली है रे। ये बात कही और एक ही झटके में राघव चेतन का सिर धड़ से अलग कर दिया और वो भेज दिया चित्तौड़। और मित्रों अब चित्तौड़ जब राघव चेतन का सिर आ गया तो पद्मिनी ने कहा चलो एक काम तो कार्य तो पूर्ण हुआ। तो पद्मिनी सौंदर्यवान तो थी मित्रों, उसके साथ उसके अंदर राजपूतों की जो क्षत्रिय ललनाएं होती है उसके भी गुण जो थे वो कूट कूट कर भरे हुए थे।
अब मित्रों राघव सॉरी गोरा और बादल को भेजा गया कहां? दिल्ली। गोरा को आर्टिफिशियल पद्मनी बनाया गया, यानी पद्मनी को बनाया गया, और अब पद्मनी बनाकर भेजा जाएगा किसको? गोरा और बादल, गोरा को, और ये दोनों जाएंगे कहां? दिल्ली। कंप्लीट। अब मित्रों देखो, गोरा और बादल को पद्मनी ने भेजा दिल्ली, और गोरा को पद्मनी के वेश में बनाकर भेजा। गोरा और बादल दोनों दिल्ली पहुंचे और उन्होंने रतन सिंह को वहां से छुड़ाया और रतन सिंह को लेकर वापस चित्तौड़ आ गए। अब जब चित्तौड़ आए, जब खिलजी को पता चला था, और कई विद्वान कहते हैं कि मित्रों जो गोरा और बादल थे दिल्ली के अंदर, जब मुठभेड़ हुई, जब लड़ाई हुई, तो लड़ाई के अंदर दोनों मारे गए, और कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं, दिल्ली में नहीं, ये चित्तौड़ के अंदर जो जौहर होगा उसमें मारे जाएंगे। तो सुनना अच्छे से। अब मित्रों, अब जब खिलजी को पता चला कि रतन सिंह को मुक्त कराकर ले गए वापस चित्तौड़, तो रतन सिंह क्या करता है? बहुत गुस्सा आता है उसको, और वह अपनी संपूर्ण सेना को लेकर चित्तौड़ की तरफ आ जाता है। तो अब देखना वो कब चित्तौड़ पहुंचा, कब उसकी विजय होगी, क्या होगा, वो अब अच्छे से देखना। यहां से तुम्हारे एग्जामों में सवाल पूछे जाएंगे, तो देखो अच्छे से। अब देखो मित्रों, अच्छे से ध्यान रखना, खिलजी वापस चित्तौड़ आया पूरी अपनी संगठित सेना को लेकर, और जब चित्तौड़ को आकर इसने घेरा था, तब तारीख क्या थी वो देखिए अच्छे से। 28 जनवरी 1303 को इसने आकर चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लिया। कंप्लीट, देखना अच्छे से। अब खिलजी की सेना ने चित्तौड़ को घेर लिया, तो कहा जाता है मित्रों, क्या कहा जाता है कि 6 माह तक, कितने माह तक? 6 माह तक खिलजी और रतन सिंह की सेना के मध्य, रतन सिंह की सेना के मध्य छोटे मोटे युद्ध हुए। कंप्लीट। और रतन सिंह का एक सेनापति था जो सिसोदा जागीर का था, याद करो अच्छे से, सिसोदा जागीर का सेनापति था, उसका नाम क्या था अच्छे से देखना। और सिसोदा जागीर के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि राणा शाखा चल रही थी, तो राणा लक्ष्मण सिंह था। कौन था? राणा लक्ष्मण सिंह, सिसोदा जागीर का जागीरदार। अच्छे से देखना, ये राणा लक्ष्मण सिंह जो था, ये रतन सिंह का सेनापति था, और 6 माह तक जब खिलजी और रतन सिंह की सेना के मध्य छोटे मोटे युद्ध हुए मित्रों, तब इन छोटे मोटे युद्धों के अंदर ये लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। कंप्लीट। और बाद में जब रतन सिंह भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होंगे, तो इसी लक्ष्मण सिंह के पोते की एंट्री होगी चित्तौड़ में, जो हम बाद में बात करेंगे, तो पहले समझते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा कि 28 जनवरी 1303 को खिलजी आया, और खिलजी ने आकर चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लिया। अब चित्तौड़ और दिल्ली की सेना के मध्य 6 माह तक छोटे मोटे युद्ध हुए। इन छोटे मोटे युद्धों के अंदर याद रखना मित्रों, सिसोदा जागीर का जो जागीरदार था लक्ष्मण सिंह, वो सेनापति था रतन सिंह का, और ये लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। ये बात ध्यान रखोगे। अब याद रखना, इस खिलजी के साथ
इस खिलजी के साथ मित्रों अच्छे से देखना, एक विद्वान था वो आया था, उस विद्वान का नाम क्या था अच्छे से देखिए, उस विद्वान का नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जिस टाइम चित्तौड़ के अंदर ये जो घटनाएं हो रही थी, ये जो युद्ध हो रहे थे, उस समय एक दरबारी विद्वान खिलजी के साथ आया था अमीर खुसरो, और इस अमीर खुसरो ने एक ग्रंथ लिखा, और ये चित्तौड़ का जो शाखा होगा और चित्तौड़ की जो विजय होगी, चित्तौड़ की इस शाखा और युद्ध का वर्णन इस अमीर खुसरो ने अपने एक ग्रंथ खजाइनुल फुतुह में किया। वेरी मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट मित्रों, एग्जाम की दृष्टि से कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है। कंप्लीट क्या पूछा हुआ है कि चित्तौड़ के प्रथम शाखे का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है, या खिलजी की चित्तौड़ पर विजय का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है, प्लस किसने किया। तो याद रखना, अमीर खुसरो ने चित्तौड़ का वर्णन, चित्तौड़ शाखे का वर्णन खजाइनुल फुतुह में किया। कंप्लीट अब सुनना अच्छे से। ये वर्णन भी हो गया, 6 माह हो गए घिरे हुए थे, युद्ध छोटे मोटे हो रहे थे, उसमें लक्ष्मण सिंह मारा भी गया। अब सुनना अच्छे से मित्रों, अब ये घटनाएं हुई, और जब चित्तौड़ दुर्ग के अंदर रसद सामग्री की कमी हुई, अब 6 महीने तक तो मित्रों जो दुर्ग के अंदर था उनसे काम चलाया, उसके बाद रसद सामग्री की कमी आई, तब रतन सिंह ने कहा कि अब मैं केसरिया धारण करूंगा। क्या धारण करूंगा? केसरिया धारण कर लड़ाई लड़ूंगा। केसरिया धारण किया मित्रों किसने? रतन सिंह ने। और इस केसरिये का मतलब भी होता है, अब इस केसरिये का मतलब क्या होता है मित्रों? केसरिये का मतलब होता है जिस राजा ने केसरिया धारण कर लिया वो उस युद्ध में या तो विजय होकर लौटेगा या वीर गति को प्राप्त होगा, लड़ता हुआ मारा जाएगा। तो रतन सिंह ने केसरिया धारण किया मित्रों, और खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। खिलजी की सेना से लड़ते हुए मारे गए। साथ में आप और जिक्र कर सकते हो गोरा और बादल का। इसके बाद जो रानी बची, उस रानी का भी हम जिक्र कर देते हैं। रतन सिंह की रानी जो करेगी जौहर, और ये जौहर करने वाली रानी जो थी, रानी पद्मिनी। कौन सी? रानी पद्मिनी। कंप्लीट अच्छे से देखना, जौहर किया रानी पद्मिनी ने। जौहर क्या होता है मित्रों? याद रखना, जौहर का मतलब होता है जब दुश्मन की सेना युद्ध के अंदर विजित हो जाए और उस साम्राज्य पर अधिकार हो जाए दुश्मनों का, तब उस साम्राज्य की जो ललनाएं होती थी, जो रानियाएं होती थी, वो अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए वो अग्नि के अंदर आहुति दे देती थी, वो कहलाता था जौहर। कंप्लीट इस बात को भी तुम अच्छे से ध्यान रखोगे। तो आप देखो, जब जौहर और केसरिया होगा तब कहलाएगा मित्रों, क्या कहलाएगा अच्छे से देखना, जौहर प्लस केसरिया। जब ये दोनों घटनाएं होगी तब आप याद रखना कहलाएगा शाका।
क्या कहलाएगा? शाखा। क्या कहलाएगा? शाखा। तो याद रखना मित्रों, अब चित्तौड़ के अंदर देखो रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ और रानी पद्मनी के नेतृत्व में क्या हुआ? जौहर हुआ। तो जौहर प्लस केसरिया दोनों हुए तो ये कहलाया शाखा। और आप कहोगे ये जो शाखा हुआ था ये 1303 को हुआ था, पूरी तारीख बताऊं तो याद रखना मैंने बताया तुम्हें कि 28 जनवरी 1303 को चित्तौड़ को आकर घेरा खिलजी ने और अधिकार हो गया खिलजी का 28 अगस्त 1303 को। और यही इसी दिन चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ, चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ कंप्लीट। और 28 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर खिलजी का अधिकार हो गया, चित्तौड़ पर खिलजी का अधिकार कंप्लीट। अब इस खिलजी ने कहा जाता है मित्रों कि चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद जो ही अधिकार हुआ इसने 30,000 हिंदू जो लोग थे उनकी हत्याएं करवा दी। मित्रों ध्यान रखना इसको। अब खिलजी ने क्या किया? चित्तौड़ का जो कार्यभार था, चित्तौड़ का कार्यभार, ये कार्यभार अपने बड़े पुत्र खिज्र खां को सौंपा। किसको? खिज्र खां को सौंपा। और चित्तौड़ का नाम परिवर्तित करके इसने नाम रख दिया खिजराबाद। क्या नाम रख दिया? खिजराबाद। खिजराबाद नाम रख दिया कंप्लीट। और स्वयं खिलजी वापस पूरी चित्तौड़ का कार्यभार खिज्र खां को सौंपकर स्वयं चला गया कहां? दिल्ली। तो इस बात को तुम ध्यान रखोगे मित्रों। अब ये जो कोई भी हमने घटनाएं पढ़ी है ये मलिक मोहम्मद जायसी के लिखित ग्रंथ पद्मावत के अनुसार पढ़ी है। अब देखो एक राइटर हुआ हरि सिंह। कौन सा? हरि सिंह। इस हरि सिंह ने एक पुस्तक लिखी गजनी से जैसलमेर, गजनी से जैसलमेर, गजनी से जैसलमेर। इस गजनी से जैसलमेर नामक पुस्तक के अंदर हरि सिंह ने बताया कि ये जो पद्मनी थी ना ये कोई सिहलदीप फिहलदीप की नहीं थी, ये जैसलमेर के राजा, जैसलमेर के राजा पूर्णमल की या पूर्णपाल की बेटी थी। तो ये भी कहा गया। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है। और हमने जो ये बातें पढ़ी, ये जो पूरी घटनाएं पढ़ी, ये मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार पढ़ी। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे कि रानी पद्मनी को जैसलमेर के राजा पूर्णमल की भी बेटी कहा गया है हरि सिंह द्वारा गजनी से जैसलमेर नामक पुस्तक के अंदर कंप्लीट। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे मित्रों। तो ये हो गया रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह की एक बात और बता देता हूँ, वो आप अच्छे से याद रखोगे मित्रों। और क्या याद रखोगे? कि रावल रतन सिंह रावल शाखा के, रावल शाखा के अंतिम राजा थे कंप्लीट। वेरी मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट, रावल शाखा के अंतिम राजा कौन थे? आपके रतन सिंह जी। तो ये इतिहास हमने पढ़ लिया कंप्लीट। अब हमने जो पढ़ा है उन सभी राजाओं के फेयर नोट्स बना लेते हैं। तो देखिए अच्छे से, हमारी जो आज क्लास प्रारंभ हुई थी वो तेज सिंह से प्रारंभ हुई। किससे? तेज सिंह से। तो तेज सिंह का अच्छे से पॉइंट देखिए कंप्लीट। तेज सिंह का पहला ही पॉइंट लिखोगे
उपाधियां। उपाधियां, उपाधियों में क्या क्या लिखोगे? सबसे पहले नंबर वन उपाधि लिखोगे आप परम भट्टारक, दूसरी महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, तीसरी लिखोगे महाराज, कंप्लीट। और फिर नोट लगाकर लिखोगे जो वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, नोट लगाकर लिखोगे चौथी उपाधि वर्लब्ध प्रोड प्रताप, कंप्लीट। वर्लब्ध प्रोड प्रताप, ये उपाधियां दी गई किसको? तेज सिंह को, कंप्लीट। इसके बाद नोट लगाकर यहीं पर लिख लो अच्छे से, तेज सिंह के शासनकाल में, तेज सिंह के शासनकाल में चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ का, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया, कंप्लीट। निर्माण करवाया गया, करवाया गया, ये पॉइंट हो गए। ये नंबर टू पॉइंट यानी दूसरा नोट्स हो जाएगा, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट लेते हैं मित्रों, वो भी आप अच्छे से नोट लगाकर लिखोगे। तेज सिंह के शासनकाल में मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ मिला, कंप्लीट। अब उस चित्रित ग्रंथ का मैं नाम लिख रहा हूं, चित्रित ग्रंथ, और उस चित्रित ग्रंथ का जो नाम था मित्रों, वो अच्छे से देखिए। चित्रित ग्रंथ का नाम लिखोगे आप श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णे, सूत्र चूर्णे, कंप्लीट। इस ग्रंथ का नाम हो गया। इस ग्रंथ की रचना जो की गई थी, याद रखोगे 1261 ईस्वी में। इसके जो रचयिता थे कमल चंद्र थे, कौन थे? कमल चंद्र थे। ताड़ के पत्तों पर लिखित, ताड़ के पत्तों पर लिखित
और वर्तमान में पाटन संग्रहालय गुजरात में संग्रहित, पाटन संग्रहालय गुजरात में संग्रहित है। कंप्लीट। तो ऐसे हमें अच्छे से फेयर नोट्स बनाकर लिखना है मित्रों, अच्छे से देख लीजिए। उपाधियां जो है परम भट्टारक, महाराजिद्धिराज महाराज और वरलब्ध प्रोड प्रताप, तेज सिंह के शासनकाल में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चोरणी नामक पहला जो चित्रित ग्रंथ था वो मिला। तो ये आपके तेज सिंह से रिलेटेड वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। अब जो अगला राजा आ रहा है वो देखिए, अगला राजा जो आ रहा है वो आ रहा है आपके समर सिंह। कंप्लीट, जिसको हमने अच्छे से पढ़ा, हेडिंग डाल रहा हूँ समर सिंह। समर सिंह कंप्लीट, इसका भी मैं उपाधियां या उपलब्धियां लिख रहा हूं, उपाधियां। नंबर वन जो उपाधि थी वो अच्छे से ध्यान रखोगे, शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता, और दूसरी जो हो जाएगी वो अच्छे से ध्यान रखना, जैसे हमने वहां पर चालुक्य लिखा है मित्रों, जब समझा था तब वहां चालुक्य नहीं, वहां तुर्को तुर्क जाति आएगी। तो लिखोगे गुजरात से तुर्कों का उदारक, उदारक, और तीसरा लिखोगे, अच्छे से ध्यान रखना, तीसरी हो जाएगा सिंह के सदर्श। सिंह के सदर्श दो आ जाएंगे, एक आगे राणा हमीर भी आएगा, ध्यान रखना सिंह के सदृश। कंप्लीट। इसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे इनके दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। कंप्लीट। नंबर वन रावल रतन सिंह, दूसरा लिखोगे रावल कुंभकर्ण, कुंभकर्ण। कंप्लीट। रावल रतन सिंह के आगे आप एक पॉइंट लिख दोगे, रावल शाखा के अंतिम राजा, और फिर कुंभकर्ण लिखोगे, इन्होंने नेपाल में रावल शाखा स्थापित की। कंप्लीट। तो ये आपका समर सिंह से रिलेटेड हो गया, इन पॉइंटों को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में आप लिखोगे, हेडिंग डालोगे रावल रतन सिंह। अब मैंने जो तुम्हें कहानियां सुनाई है, पूरी कहानी जो सुनाई है
उसके जो मेन पहलू है उनको लिखेंगे, वरना बेक स्टेज में आपको रतन सिंह की पूरी कहानी पता होना चाहिए। इनका जो समय काल था वो 1302 से 1303 कंप्लीट। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे और पहला ही पॉइंट लिखोगे आप रावल शाखा के अंतिम राजा इनका विवाह, इनकी रानी का नाम सीधा लिख लेते हैं, इनकी रानी का नाम पद्मिनी था। क्या था? पद्मिनी था। सेनापति आपको पता ही है, सेनापति जो थे वो गोरा और बादल, और बालक और मदन पूछ ले तो जैत्र सिंह के। ये ध्यान रखना, ये देखो ऐसे जोड़े आते हैं सेनापतियों के। कंप्लीट। इसके बाद आगे बात करें तो आप लिखोगे नोट लगाकर, इनके समकालीन दिल्ली में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। इसके बाद वापस पॉइंट आगे कंटिन्यू करके लिखोगे और इस पॉइंट में लिखोगे खिलजी ने पद्मिनी को प्राप्त करने, और कुछ विद्वानों ने कहा साम्राज्य विस्तार के तहत, दोनों कारण साम्राज्य विस्तार नीति के तहत ...28 जनवरी 1303 को चित्तौड़ को घेरा, कंप्लीट। उसके बाद अगले पॉइंट में लिखोगे इनके साथ कौन थे, तो नोट लगाकर लिखोगे इस युद्ध में खिलजी का दरबारी कवि आमिर खुसरो उपस्थित था। कौन? आमिर खुसरो उपस्थित था। कंप्लीट। फिर क्या लिखोगे? आमिर खुसरो लिखोगे, इन्होंने चित्तौड़ युद्ध का वर्णन या साक्ष्य का वर्णन, चित्तौड़ युद्ध का वर्णन
अपनी पुस्तक, अपनी पुस्तक, पुस्तक का नाम जो है लिखोगे खजाइनुल फुतुहुमेकिया, फुतुहुमेकिया कंप्लीट। ये तो हो गया कि भाई चित्तौड़ शाखे का जो विस्तृत वर्णन मिलता है हमें वो कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो खजाइनुल फुतुहु कंप्लीट। ये बात भी हो गई। चलो 6 माह तक जो छोटे मोटे युद्ध हुए उनमें कौन कौन मारे गए वो भी हम नोट लगा कर लिख लेते हैं। लिखोगे 6 माह तक चित्तौड़ घेराबंदी के दौरान, चित्तौड़ घेराबंदी के दौरान दौरान छोटे मोटे, छोटे मोटे युद्ध हुए। इन युद्धों में रतन सिंह का सेनापति सिसोदा जागीर का जागीरदार जागीर के राणा लक्ष्मण सिंह, अपने सात पुत्रों सहित मारे गए कंप्लीट। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे, 7 पुत्रों सहित मारे गए। अब देखो अच्छे से आगे जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से देखिए। अब लिखोगे 28 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर खिलजी का क्या हो गया मित्रों, अधिकार हो गया, खिलजी का अधिकार, चित्तौड़ पर खिलजी का अधिकार। और उसके बाद अब जो शाखा हुआ उसके बारे में भी तो लिखेंगे ना, तो लिखोगे हेडिंग डालोगे चित्तौड़ का प्रथम शाखा, प्रथम शाखा। अब ये जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा जो हुआ मित्रों वो आप अच्छे से याद रखोगे 1303 के अंदर कंप्लीट। अब चित्तौड़ के प्रथम शाखे में लिखोगे रावल रतन सिंह, ने केसरिया धारण कर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, इनके दो सेनापति दोनों बातें लिख देते हैं, दो सेनापति गोरा और बादल भी शहीद हुए वीरगति को, गोरा व बादल भी वीरगति को प्राप्त हुए।
वीरगति को प्राप्त। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में आप लिखोगे मित्रों, अच्छे से ध्यान रखना, लिखोगे रानी पद्मिनी के नेतृत्व में सोलह सौ रानियों ने, देखो यहां पर कहीं पुस्तकों के अंदर 16,000 भी लिखा हुआ है और ऑथेंटिक पुस्तक के अंदर 1600 रानियों का जिक्र कर रखा है। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 रानियों ने जौहर किया, कंप्लीट। फिर लिखोगे नोट लगाकर, यह राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर था। कंप्लीट, ये घटनाएं हो गई आपके चित्तौड़ शाखे से। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम जिक्र करेंगे किसका, अच्छे से देखना। ये चित्तौड़ जीतने के बाद मित्रों, चित्तौड़ का कार्यभार किसको सौंपा था? तो खिलजी ने चित्तौड़ विजय के पश्चात चित्तौड़ का नाम क्या रखा? खिजराबाद। खिजराबाद रखा तथा चित्तौड़ का कार्यभार अपने बड़े पुत्र खिज्र खां को सौंपा। कंप्लीट, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। अब मित्रों, ये तो हो गई हमारे चित्तौड़ की बातें, अब नोट लगाकर लिखोगे रानी पद्मिनी पर पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की पंद्रह सौ चालीस ईस्वी में की। कंप्लीट, कौन से ग्रंथ की? पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने कब की थी मित्रों? 1540 के अंदर। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। ये चीजें हो गई आपकी किससे रिलेटेड? हमारे रावल रतन सिंह से रिलेटेड। और इसके अलावा पद्मिनी का मैं आपको परिचय भी लिखा देता हूँ। रानी पद्मिनी,
तो रानी पद्मनी की पहली बात लिखोगे सिहल दीप, के राजा गंधर्व सेन की पुत्री कंप्लीट। दूसरा पॉइंट लिखोगे इनका विवाह रतन सिंह से हुआ, के साथ हुआ, कंप्लीट। अगले पॉइंट में रतन सिंह को पद्मनी के बारे में, के सौंदर्य के बारे में अवगत मैं अवगत हीरामन तोते ने करवाया, हीरामन तोता। उसके बाद अगले पॉइंट में लिखोगे खिलजी को पद्मनी के सौंदर्य के बारे में, राघव चेतन ने करवाया, चेतन ने अवगत करवाया। कंप्लीट। इसके अलावा रानी पद्मनी के नेतृत्व में जो जौहर किए गए थे वो भी मैंने बताया, और याद रखना इनके साथ दो बॉडीगार्ड आए थे, गोरा और बादल। कंप्लीट। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। तो ये हमने पढ़ लिया एकदम विधिवत रूप से रावल रतन सिंह तक, जो अंतिम शाखा का था। अच्छे से अपनी स्टडी करते रहे और इन चीज़ों को जो मैंने बताया पॉइंट दर पॉइंट पढ़ते रहे और जुड़े रहे मेरे साथ। कंप्लीट। ऐसे ही जैसे हमने रतन सिंह को पढ़ा वैसे ही हम संपूर्ण राजाओं को पढ़ेंगे। तो अब तक रावल शाखा के जो राजा थे उनको हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब जो आगे जो शाखाएं आएगी वो राणा शाखाएं आएंगी, और राणा शाखाओं में जो पहला राजा होगा वो राणा हमीर होगा, जो चित्तौड़ में राणा शाखा की स्थापना करेगा। कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। जय हिंद। मस्त रहे और घर पर स्टडी करते रहे। धन्यवाद।